हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कहानी का नाम है चींटी और कबूतर गर्मी के एक गर्म दिन में एक चींटी कुछ पानी खोज रही थी कुछ देर घूमने के बाद वह पानी पी ने के लिए नदी के पास आई वह एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई पानी पीने के प्रयास में वह नदी में गिर गई एक पेड़ की शाखा पर एक कबूतर बैठा था जिसने चींटी को नदी में गिरते देखा कबूतर ने जल्दी से एक पत्ते को तोड़ दिया और संघर्षी चींटी के पास नदी में लूट लिया चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और ऊपर गई। जल्द पत्ता सूख कर जमीन पर चला गया और चींटी बाहर कूद गई और उसने पेड़ की ओर देखा और कबूतर को धन्यवाद दिया। बाद में उसी दिन एक पक्षी पकड़ने वाला कबूतर के ऊपर अपना जाल फेंकने वाला था। चींटी ने उसे देखा और अनुमान लगाया कि वह क्या करने वाला है। कबूतर आराम कर रहा था और उससे पक्षी पकड़ने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी चींटी ने जल्दी से उसके पेड़ में काट लिया दर्द को महसूस करते हुए पक्षी पकड़ने वाले ने अपना जाल गिरा दिया कबूतर ने इसे देखा और जल्दी से उठ गया इस कहानी का शोभा है करबला होबला दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता उसका प्रतिफल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना चाहिए If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.